हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना रखा है एमएस एक्सेल से रिलेटेड और उस वीडियो पर आज मुझे विजय कुमार जी ने एक कमेंट किया कि एक्सेल में अगर किसी स्टूडेंट का नाम, उसकी मदर का नाम, फादर का नाम, वो सारे अलग अलग कॉलम में है और हम अगर उसे एक साथ एक कॉलम में लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं। जी, मुझे सवाल बड़ा दिलचस्प लगा और सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाकर सबको बताया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आपका टेबल में कोई डाटा पड़ा हुआ है और आप बिना टेबल को कॉपी किए सिर्फ उस डाटा को कॉपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सारा डाटा एक साथ आ जाए, तो उसको कैसे करना है, वही आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका फ्री में नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल की फाइल ओपन की है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी और जेंडर। अभी मैंने ये सिर्फ एक डेमो फाइल बनाई है, ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, सिर्फ ऐसा ही बनाया है और अलग अलग कॉलम में हमने इस तरह से डाटा डाल रखा है। ये देखिए, ये ए वाला कॉलम है, ये बी वाला है, ये सी वाला है। और अब क्या है कि हम चाहते हैं कि ये जो इसमें डाटा है वो कुछ सारा का सारा एक कॉलम में आ जाए। तो अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये एक कॉलम में नहीं आ रहा, ये सारा अलग अलग कॉलम में आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक कॉलम में सारा का सारा डाटा आ जाए तो उसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा जो डाटा है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना पड़ेगा। जितना भी डाटा आप एक कॉलम में लाना चाहते हैं आप उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप वर्ड की फाइल को ओपन करें और वर्ड की फाइल को ओपन करके आप उसे पेस्ट कर दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा डाटा आ चुका है। अब आपको सिंपली ये जो एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेआउट और लेआउट में आपको करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आएगा अदर। दोस्तों, अदर में यहाँ पर अगर आपके कुछ लिखा हुआ है क्लियर कर दीजिए और एक स्पेस दे दीजिए, दो स्पेस भी दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ से ओके कर लीजिए। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये पूरा जो डाटा है वो एक ही पैराग्राफ में आ जाएगा और जो टेबल थी वो गायब हो जाएगी। अब इसको आप कंट्रोल सी करके कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप एक्सेल में नया पेज ले लीजिए और एक कॉलम में इसे पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक कॉलम में आ चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।